वाराणसी में जापानी पर्यटक से लूट का मामला सामने आया, जिसमें राशिद खान नाम के एक शख्स ने जापानी पर्यटक के साथ लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। लूट की घटना के बाद वाराणसी के सिगरा थाने में FIR दर्ज कराई गई। विदेशी पर्यटक को वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित पर्यटक सूचना केंद्र पर लाया गया, जहां से उसे दिल्ली स्थित दूतावास भेजा गया। पर्यटन सूचना केंद्र के अधिकारियों की माने तो जापानी युवक के साथ दोस्ती कर लूट को अंजाम दिया। जो ले गया संभवतः IP माल में ले गया जो है, और खाना खाया, खाना खिलाने के बाद जो है और कुछ पिया वगैरह जो है, पीने के बाद जो है ये बेहोश हो गया। बाहर जब निकला जो है और इसे नींद जैसी आ गई अंताक्षरियाँ सोने पर, जैसा इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया है। और जब से होश आया थोड़ा, जब अनकॉन्शियस होश आया तो इसने देखा इसका सामान नहीं, कुछ नहीं है और सारा सब कुछ गायब है और व्यक्ति नहीं है।